तो फाइनली न्यू अपडेट आ चुका है रियलमी 9 प्रो 5G में। जैसे आपको जो न्यू वर्जन एक्टिवेट यहाँ पर हो चुका है, आप जैसे जैसे डाउनलोड कर लोगे तो आपका जो एक्टिवेट हो जाएगा। तो मेरा जो यहाँ आपको न्यू वर्जन आया है, जैसे आपको रियलमी UI 3.0, ठीक है। तो इसमें जैसे जो अपडेट में क्या क्या चेंजिंग होगा जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो जो ऑपरेशन, जैसे आपको जो तो यहाँ से देख सकते हो जो यहाँ को फिर से यहाँ को जो वर्जन है, तो यहाँ से देख सकते हो अपडेट एक्टिव, उसके बाद यहाँ से सारा डिटेल दिया है। तो यहाँ को रियलमी UI 3.0, उसके बाद एंड्रॉयड 12, उसके बाद यहाँ से जो आपका मॉडल नंबर है, तो यहाँ से देख सकते हो जो यहाँ को सॉफ्टवेयर अपडेट भी है, तो यहाँ से भी चेक क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपका जो अपडेट में क्या क्या चेंजिंग होगा, तो यहाँ से देख सकते हो अबाउट द यहाँ को वर्जन में आओगे तो यहाँ से आपको से सारा लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका जो क्या क्या चेंज होगा जिसमें आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले आपका जो सेटिंग है, सेटिंग में जो फेब्रुअरी में कुछ न्यू जैसे आपको अपडेट किया है सिक्योरिटी में, तो उसमें जैसे आपको चेंजिंग होगा। उसके बाद आपका जो कैमरा है, कैमरा से अच्छे आपको परफॉर्मेंस आपको से देखने मिलेगा, जो आपको पहले उससे आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। तो जो आपका स्टाइलिश ऑफ फोटो यहाँ को कुछ क्लिक, उसके बाद यहाँ से देख सकते हो रियल यहाँ को कैमरा, उसके बाद यहाँ से देख सकते हो जो यहाँ को क्वालिटी ऑफ फोटो रियल यहाँ को से रियल कैमरा, जो आपका रियल कैमरा से यहाँ को बहुत ही सारा यहाँ से चेंजिंग ऑप्शन आया है, ठीक है। उसके बाद जो आपका फीस, जो आपका वीडियो कॉल यूसेज, जैसे आपको जो प्रॉब्लम है उसका वजह से आपको प्रॉब्लम जैसे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से सिस्टम, सिस्टम से आपको कुछ यहाँ आपको दो फीचर्स को आपको से जो प्रॉब्लम है तो यहाँ पर से सॉल्व कर देगा। तो ऐसे आप सभी जैसे आपको सॉफ्टवेयर को मार सकते हो, कैसे, यहाँ से डाउनलोड स्टार्टिंग कर लेंगे। स्टार्टिंग के लिए करने के बाद आपका जो डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से जो स्टार्ट का ऑप्शन देखने मिलेगा, तो यहाँ को स्टार्ट सेलेक्ट कर दोगे तो आपका जो जो फ़ोन है तो यहाँ से स्विच ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद 5 मिनट नहीं तो आपको 10 मिनट लगता है, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर अपडेट है ऑटोमेटिकली दोबारा से आपको ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट है ईजिली कॉम जैसे आपको अपडेट हो जाएगा। तो ऐसे आप सभी जैसे आपका जो रियलमी 9 प्रो है, तो आप ही जैसे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा जो आपका फीचर्स है जैसे आपको अपडेट में जैसे चेंजिंग होगा तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो आपका मोबाइल है तो सिक्योरिटी भी जैसे हो जाता है, ठीक है। तो आप जैसे ईजिली कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना, जैसे मैं आपको यूट्यूब से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड मैं आपको वीडियो देते रहता हूँ। तो चैन बनाओ, गुड बाय। एक और मैं बात बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो अभी डाउनलोड हो रहा है, जैसे मेरा जो डाउनलोड कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं आपको स्टार्ट का नाउ, जैसे आपको जो स्टार्ट नाउ रहेगा तो उसमें से सेलेक्ट करोगे तो आपका जो फ़ोन है जैसे ऑफ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से दोबारा यहाँ आपको ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपका जो जब यहाँ आपको रिटर्न जो ऑन हो जाएगा तो आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट है कंप्लीट हो जाएगा। तो जय हिंद, बंदे मातरम, गुड बाय।